हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है कि फास्टैग हम ऑर्डर कर रहे हैं पेटीएम से, तो कुछ एड्रेस का इशू आता है। हमारा एड्रेस वहाँ पे नहीं ले रहा है पेटीएम, और हमें ऑर्डर प्लेस करने में इशू आता है, दिक्कत हो रही है। तो इस कंडीशन में, इस इशू में आपको क्या करना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। होता क्या है, जब भी हम पेटीएम से ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं फास्टैग को, तो हमें कुछ इस तरीके का एरर आता है, जो कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये कि एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड टू प्लेस एन ऑर्डर, हम एड्रेस डालते हैं फिर भी हमें इस टाइप का एरर आता है। तो ऐसा क्यों होता है और आपको इसमें क्या करना है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसके लिए अपने पेटीएम ऐप पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको साइड पे यहाँ पे क्लिक करना है, उसे नीचे स्क्रॉल करना है। जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको आता है अपडेट वर्जन, ये आपका है 8.4.1। तो आपको इसको सबसे पहले अपडेट करना है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जाएंगे तो यहाँ पे पेटीएम का जो ऐप होता है, आपको इसको यहाँ से अपडेट पे क्लिक कर देना है और अपडेट करना है। तो ये हमारा पेटीएम का ऐप अपडेट हो चुका है, तो हमें इसको ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक, अब हमारा पेटीएम का जो ऐप है वो अपडेट हो चुका है। तो अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे साइड पे क्लिक करना है, और सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वर्जन दिखाएगा 8.4.2। तो अगर आप भी अभी तक आपका जो ऐप है वो अपडेट नहीं हो रखा, 8.4.2 के वर्जन से कम है, तो उसको आप अपडेट करके ही ऑर्डर कीजिए, तब आपको ऑर्डर जो है वो बिल्कुल आसानी से प्लेस हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है ऑर्डर में, तो उसके लिए मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा कि उसमें आपको क्या करना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है, तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं हमारे कॉमेंट बॉक्स में।